So I envy people can speak English fluently. Hello guys, कैसे हो आप सब? मैं तो मस्त बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, एकदम इंडिया वाला हाल है। 38-39 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे अभी। और अभी हम जा रहे हैं मम्मी की वर्क लोकेशन पे। ये रही मेरी मम्मी। हेलो हेलो। अभी हम जा रहे हैं मम्मी की वर्क लोकेशन पे और एज यूजुअल बस की वेट कर रहे हैं। मम्मी की वर्क लोकेशन पता क्या है? मम्मी ना इंग्लिश पढ़ाती है एक कल्चरल सेंटर में, वहाँ पे एडल्ट्स आते हैं, वहाँ पे मम्मी इंग्लिश पढ़ाती है। और पता है वहाँ पे 80 इयर्स के अंकल भी आते हैं इंग्लिश पढ़ने, इतनी धूप में 2-3 बसेस बदल के वो इंग्लिश पढ़ने आते हैं 80 इयर्स की एज में। तो वही सब आज मैं दिखाऊंगी आपको अगर मुझे परमिशन मिली तो। तो चलो चलते हैं। अभी हम पहले यहाँ पे थोड़ा कुछ खाने जा रहे हैं क्लास से पहले। यहाँ पे एक डोरी है, ओरियन डोरी। ओरियन डोरी एक स्ट्रीट है, डोरी मतलब स्ट्रीट, जापानीज में स्ट्रीट को डोरी बोलते हैं। तो अभी हम पहले वहाँ जा रहे हैं कुछ खाने और फिर वहाँ से जाएंगे क्लास में। यही है सामने वो ओरियन डोरी, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है ओरियन। ये है वो स्ट्रीट। काफी शॉप्स तो बंद है, अभी रात को खुलती होंगी शायद। ये ऐसी जगह ना का हर जगह हर सिटी में होती है। जैसे हम ओसाका क्योटो गए थे वहां पे भी थी ऐसे डोरी। ये देखो यहाँ पे शॉप्स हैं काफी सारी और रेस्टोरेंट्स। ये लेमनेड ऑर्डर किया था हमने, ये ड्रिंक स्टैंड एक शॉप है वहाँ से पैक करके दे दिया इन्होंने। चलो अब मैं पीती हूँ ये। एक के पीछे शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छे रैप्स मिलते हैं तो मम्मी ने एक रैप मंगवाया है। यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में पता है स्पाइस लेवल भी ना हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे तुम्हें बहुत स्पाइसी चाहिए, थोड़ा स्पाइसी चाहिए, मीडियम चाहिए। वेट कर रही हूँ मैं मम्मी का, मम्मी खाना खा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे आजकल पता है। ये तो एरिया फिर भी कवर्ड है तो बेटर है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पिंपल भी हो रहे हैं मेरे को। यहाँ पे एक श्राइन भी है, वो स्टेशन है सीधा जाके और यहीं पे पास में एक श्राइन भी है। सीधा सीधा ऊपर इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ पे देखो ग्रीन टी की काफ़ी सारी आइसक्रीम्स मिलती हैं। हम अभी बस पहुँचने ही वाले हैं, एक और बस चेंज करनी होती है उसकी वेट कर रहे हैं अभी। और अभी बस ये बस लेने के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी थोड़ा पहले मम्मी से पूछ लेते हैं कैसा होता है वहाँ पे, थोड़ा तो पता चले। बताओ मम्मी। हम मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर एडल्ट्स हैं, अबव 60 हैं, कुछ अबव 40 हैं और एक हैं जो अबव 80 हैं। तो वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं क्योंकि वो इस उम्र में भी दो बसेस बदल के ट्रेन में बैठ के इंग्लिश सीखने आते हैं और मुझसे भी पहले पहुंच जाते हैं क्लास में। जब मैं पहुंचती हूं क्लास में तो वो रिवाइज कर रहे होते हैं पिछले दिन का, पिछले वीक का। तो और बोलते बहुत धीरे हैं, सुनते भी ऊँचे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है तो इसीलिए आते हैं। बीच में वो एक बार आना बंद हो गए थे क्लास में, 2 महीने आए नहीं थे क्लास में, तो मुझे लगा बस अब नहीं आएंगे इसके बाद, और इतनी एज है उनको अब घर पर ही आराम करना चाहिए। लेकिन फिर 2 महीने बाद जब मैं एक दिन क्लास में गई तो देखा वो बैठे हुए हैं क्लास में, तो मुझे इतनी हैरानी हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आए आप इतने दिन, तो वो मुझे कहने लगे कि उनको प्रॉब्लम हो गई थी वैक्सीन लगाने के बाद, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी नहीं जाना। तो जैसे ही वो ठीक हुए फिर से दोबारा से क्लास में आना शुरू कर दिया उन्होंने। और बाकी कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक है क्योंकि वो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और उनको कई बार मुश्किल होता है वहाँ पे कम्युनिकेट करना क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती।
तो वो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा इंग्लिश सीख सकें उतना अच्छा है। एक है स्टूडेंट्स में से नर्स हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशन में है, वो यंग है, वो अपना ड्यूटी करके अपनी फिर आती हैं सीखने के लिए इंग्लिश। तो अच्छा लगता है मुझे, है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा सीखना है, उनको कम्युनिकेशन सीखना है, मैं बोल सकें जिससे वो। जापान में बच्चे पढ़ते तो हैं इंग्लिश, हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, लेकिन बोलने का होता नहीं है उन्हें, क्योंकि यहाँ सब जापानीज ही बोलते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वो बोलना सीख ही नहीं पाते। अब जब फ्री हो जाते हैं तो जिनको शौक होता है वो सीखने आते हैं कल्चरल सेंटर में, जैसे मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप कितने दिन जाते हो पढ़ाने? मैं ट्वाइस इन अ वीक, ऑन मंडेज एंड ऑन थर्सडेज। और कितनी देर की क्लास होती है? 2 घंटे के लिए। अच्छा, 2 घंटे की क्लास होती है। सही है, चलो अब चलते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, देखो जिम कराटे वगैरह भी, आंशिन कान इस जगह का नाम, वो देखो लिखा है आंशिन कान। चलो चले अंदर। ये है कल्चरल सेंटर, यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह भी सिखाते हैं, जिम भी है और डांस भी सिखाते हैं उधर। रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग क्लासेस होती हैं। ये सोशल डांस की क्लास चल रही है, वो पीछे वाले रूम में ना बेली डांस की क्लास चल रही है। चलो अब मम्मी की इंग्लिश क्लास में चलते हैं, वहाँ बातें भी करेंगे स्टूडेंट्स से। It's like typical Japanese style, no? Yeah. In it's a very traditional way. Place, in the Nagano, it is famous in the Nagano. Yes, yes. I know, watching now, huh? So, yeah. which place? Oh, wow. Pune. Yeah, this place, Pune. Pune. Oh, yeah. Oh, it's famous. West, yeah, southwest. Yeah. Near Mumbai. Yes, Mumbai was the capital. Before capital? No. New Delhi. Oh, New Delhi. Capital is New Delhi. Is New Delhi. Yeah. But work location is Pune. But sure. I stay over here. I'm working from home, so I stay somewhere here. I envy people can speak English fluently, so I want to speak more fluently, so I learn English. And so Japanese education, so for English, we learn writing and reading, but speaking and listening, so less than writing and reading. So studying English in Japan for examination, high school or university. So it's not useful we learning English. So in India, so you studied English in the school. Yes. So it's useful, so you can speak India, English friendly, so we Japanese
we Japanese study English for a long time, so but we can speak English. So communication is the key to learn. If we don't communicate in that language, then we will not be able to learn. Japanese English education system is not effective. Mm. Your mother said you go out many places this time for your blog. Yes. But in this heat, it's very difficult. You gave up to go out. Yeah. Right. But Mount Fuji, I will go to Mount Fuji, and I'm planning to go to Shinchan Museum. बस की वेट कर रहे हैं अभी हम. वो देखो वो अंकल भी हैं, वो जो 80 इयर्स के अंकल है ना, वो भी बस की वेट कर रहे हैं यहाँ पे. इतनी गर्मी में बेचारे इतनी दूर से आते हैं. आ गए हम वापस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. बाय बाय.